तो आज ना मैं थोड़ा यूनिक कुछ बनाना चाहती हूँ। तो ये रहा सूजी। तो पहले तो मैंने कढ़ाई में पानी और लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा हल्दी और थोड़ा सा नमक डाला और थोड़ा जीरा और धनिया पाउडर भी डाल दिया मैंने। और अब जो है ना इसको हम मिक्स मिक्स कर लेंगे और फिर ना इसमें हम डालने वाले हैं सूजी। ठीक है, तो अभी मैंने थोड़ा इसमें अलग से ना ऑरिगेनो और ये चिली फ्लेक्स भी डाला है, मन कर रहा था थोड़ा ये सब भी डाल के खाने में बहुत मज़ा आता है। मैंने थोड़ा सा सूजी डाला है, जैसे ये देखो 1 कप के बराबर मैंने सूजी डाला है। और इसको ना अभी हम लोग काफ़ी अच्छे से ना फ्राई कर लेंगे, फ्राई नहीं आई मीन पका लेंगे। तो पकाने के बाद ना एक डो टाइप का बन जाएगा, हमें डो बनाना है। और फिर डो बन जाए तो फिर हम लोग ना एक दूसरे भगोने में उतार लेंगे, जिससे कि हमें इसको ठंडा करना है और उसके बाद ना आटा गूंद लेना है। इधर मैं आलू धो के इस पैन में मैं डाल दे रही हूँ। और देखो कुछ कुछ आलू जो है ना वो ख़राब लग रही थी, तो फिर मैंने थोड़ा थोड़ा कट कट करके डाल दिया। अब जो है ना आलू बॉयल होता रहेगा, ये भी ठंडा होता रहेगा, तब तक हम लोग ना कुछ चीज़ें जो है ना वो कट कर लेते हैं, जैसे कि प्याज लहसुन ये सारे मुझे कट कर लेना है। तो अभी जो है ना प्याज को मैं थोड़ा चॉप चॉप करके कट कर रही हूँ। तो जब तक हमारा आलू बॉयल हो रहा है तब तक हम ये सारे काम कर लेते हैं। कुछ धनिया पत्ता है इसको भी हम लोग कट कर लेते हैं जो छोटा छोटा टुकड़ों में। और एक अदरक ले लिया है, अदरक तो मैं लास्ट में ना घिस दूंगी प्याज के ऊपर ही। और ये देखो इधर हमारा जो आलू है ना वो बॉयल हो गया है, और अब हम आलू को छील लेते हैं। बहुत गर्म है गाइस, बहुत ही। यहाँ पे मैंने ये आलू को ना मैश करना स्टार्ट कर दिया है। तो ये जो टास्क है ना मैंने अपने पति को दिया था, तो फिर मैंने कहा कि काफ़ी अच्छे से इसको मैश कर दो, तो काफ़ी अच्छे से मैश कर दिया था। और कुछ बादाम है जो मैं अभी फ्राई कर ले रही हूँ, कच्चे बादाम है, अगर भुने हुए होते तो फिर फ्राई करना नहीं पड़ता। और ये जो सूजी देख रहे हो ना, ये जो मैंने डो बनाया था इसको ना फिर मैंने अच्छे तरीके से हाथों से मसल के एक डो बना लिया है। फिर से थोड़ा सा जीरा डाला, और देखो ऊपर ही मैंने ना ये अदरक जो है घिसा है, तो एक साथ तो फिर वो ही कढ़ाई में ही जाएगा। तो मैंने प्याज लहसुन डाल दिया है, और अब जो है ना मैं सारे प्याज जो है वो डाल दूँगी, और फिर मैं इसके अंदर डालने वाली हूँ काफ़ी सारे चीज़ें, जिससे कि चाट मसाला हो गया है, चिली फ्लेक्स हो गया है, ओरिगैनो हो गया है, ये सारे चीज़ें डालने वाली हूँ। ये सब चीज़ों का जो अलग ही स्वाद होता है, बहुत ही अच्छा लगता है इसका स्वाद। और ना इधर मैंने जो मैश किया था आलू उसको भी मैंने इसके अंदर डाल दिया है। और अब ना हम इस आलू को काफ़ी अच्छे से ना पका लेंगे। और मैंने इसमें ना अमचूर भी डाला है। आपको अगर खट्टा नहीं पसंद तो आप इसको स्किप कर सकते हो, मेरे को खट्टा पसंद है इसलिए मैंने स्किप नहीं किया। थोड़ा धनिया और जीरा पाउडर भी डाला, एंड लास्ट में नमक। और ये जो लास्ट में हमने डाला ये कहते हैं धनिया पत्ता और बादाम, इनको डाल के हमें अच्छे से भून लेना है, तो आलू का जो कच्चा वाला पन है वो ख़त्म हो जाए। देखो बॉयल तो है ही, लेकिन फिर भी थोड़ा और भी ज़्यादा अच्छे से पक जाए तो अच्छा होगा। अब जो है ना हमने एक वो जो सूजी है ना उस सूजी को हमने क्या किया, गोल अंदर की ओर से हम फिलिंग्स भरना है इसके अंदर। तो अब इसको ना जैसे मोमो बनता है वैसे ही हमें इसको बंद कर देना है, और फिर हमारा जो सूजी वाला कचौड़ी है वो बनके रेडी हो जाएगा। और ये बहुत मज़े का बना है, अब इसको ना फ्राई करते हैं। चलो 6 बने हैं और ये बहुत सारा बच गया है, ये आप रोटी के साथ भी खा सकते हो या फिर समोसा भी बना सकते हो, एज़ यू विश। और अब जो है मैंने तेल गरम करने के लिए रखा है, अब इसको हम लोग ना एक एक करके फ्राई कर लेंगे काफ़ी अच्छे तरीके से, और फिर हम इसको टेस्ट करने वाले हैं। इधर तो देखो हमारा जो ये कचौड़ी है वो बन के रेडी हो गया है, और चलो अभी हम लोग टेस्ट करते हैं। बहुत मज़ेदार बना है, बहुत ही ज़्यादा, ये तो अल्टीमेट है गाइज, आप लोग कभी ट्राई करना, बहुत मज़े का बना। और अभी के लिए बाय बाय।